History of commerce in India. This is our next topic as well as another chapter in your BSc. और बेटा इसके अंदर आपके बी एस टी में वन थिंग यू ऑल हैव टू नो दैट हमारे पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं. यूनिट्स के अंदर छोटे छोटे पोर्शंस हमारे पार्ट ऑफ सेक्शंस होते हैं, जैसे कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद में हमारा आ गया काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड ऑल दीज थिंग. उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके बाद आएगा आपका रिस्क. तो इस तरह से इन कंटेंट्स के साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इट विल बी कम्प्लीटेड, वो कम्प्लीट होगी. और उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे विच यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक, एंड आफ्टर दैट देर विल बी अ टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बिकॉज इट इज नेसेसरी टू नो हाउ मच यू आर लर्निंग और यू आर रीडिंग एंड हाउ मच आई नो अबाउट यू दैट यू आर लर्निंग और नॉट. इट्स रिस्पॉन्सेज एंड नेगेटिव बिकॉज आई हैव सीन हाउ मच वीडियोज यू आर यू सीन और यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी लेस. सो बियॉन्ड दिस we are now going to start our next topic which is history of commerce in India. बेटा history जो है commerce की India के अंदर अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो जब ये form of commerce थी which we have seen today in our life, it is not in earlier. पहले ऐसी नहीं थी. आज जस्ट मतलब आज के time में जो हम commerce को ऐसे देख रहे हैं, आज के टाइम में कॉमर्स जो है वो अपने क्लाइमेक्स के ऊपर है, यानी कि बियॉन्ड द लेवल आ चुकी है. काफी ज्यादा लंबा जो डिस्टेंस है वो कॉमर्स ने क्या किया है, लॉन्ग डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है. सो बिफोर वी स्टार्ट अबाउट दिस लॉन्ग जर्नी इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट कॉमर्स इज. कॉमर्स क्या होती है बेसिकली बेटा, जो हमारा बिजनेस है ना, जो इकोनॉमी के अंदर, हर एक इकोनॉमी के अंदर जो हम बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के अंदर टू साइड्स होती हैं. ओके, फर्स्ट साइड इज प्रोडक्शन एंड द अनदर साइड इज कंजम्पशन. ओके, दीज आर टू साइड्स, वन इज कंजम्पशन साइड एंड वन इज प्रोडक्शन साइड. एंड एवरी वन नो दैट देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स. वी ऑल नो दैट देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. And this is that difference. ठीक है, इन दोनों के अंदर difference पाया जाता है. चीजें बनती कहां पर है और उनको consume कहां पर किया जाता है. So there is a distance between them. The production of goods take place at one place where the consumption is done on the another place. एक जगह हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी जगह हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं. इट इज नॉट इजी टू सेंड द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया टू द कंजम्पशन एरिया. इट्स नॉट इजी टू सेंड इट. हु मेक दिस वर्क इजी, इस प्रोसेस को कौन इजी करता है? प्रोडक्शन एरिया से कंजम्पशन एरिया के अंदर जो ये काम करता है पहुंचाने का गुड्स का, फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन एरिया इज डन बाय द कॉमर्स. And now the commerce is divided into two parts. अब commerce क्या करती है, इस distance को cover करती है. This distance is covered by the commerce. And your commerce is now divided into two portions. दो portions के अंदर commerce को divide किया जाता है. First is sale and purchase. ये वैसे आपको you have know about it. Sale and purchase is known as trade. Sale and purchase को क्या कहते हैं, हम trade कहते हैं. On the another side, ठीक है, there are some difficulties in sale and purchase. That difficulties are removed by some activities What are that activities? That activities are auxiliaries to trade. What does we call auxiliaries to trade?
यानी कि जब हम क्या करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, वट एवर देर आर द हर्डल्स, दैट हर्डल्स आर रिड्यूस्ड बाय सम एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट्स, आर दीज एक्टिविटीज विच सॉल्व दीज डिफिकल्टीज. ओके, दिस इज अबाउट टू ओनली योर कॉमर्स. एंड नाउ द मेन टॉपिक इज हाउ, वट इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, हाउ कॉमर्स डेवलप. How commerce developed in India. India के अंदर commerce में कैसे development हुए, ठीक है बेटा. It's the this development this is divided into six various portions. जो India के अंदर क्या हुई है, development हुई है commerce की, it is divided into six portions. उसको हम six portions के अंदर divide करते हैं. First आ जाता है that is your barter system stage. Okay, second is your village economy stage, and third one is money invention stage, and your fourth one is town economy stage, fifth one is industrial revolution stage, and the last and sixth is communication and transportation development stage. So beta, basically commerce कि जो डेवलपमेंट हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कॉमर्स कैसे डेवलप हुई, ठीक है. अगर हम बच्चे से कहते हैं कि आपके डेवलपमेंट को बताते हैं, पहले मैं इतना छोटा था, फिर मैंने ऐसे ग्रो किया, इतना तो स्टेजेस उसमें डिवाइडेड की जाती है. तो इसी तरह से ही कॉमर्स जो इंडिया के अंदर थी कि उसने सिक्स स्टेजेस उसकी हम लेते हैं, ठीक है. सबसे पहला आपके पास आ जाता है बार्टर सिस्टम. In the beginning, or we can talk about the ancient time, at the time the human needs are few. If we talk about the innocent India, at that time people's matlab civilization nahi tha, and these economic resources which we are today having, these are not available at that time. There is no electricity, no electrical appliances are there, and there is no communication equipments are there. So basically people have less demands, there is no extra demand of the people at that time. Unki itni few kam demands hoti thi, avashyaktaen hoti thi, uske according kya the wo live karte the. That is why in the beginning the human needs are few, we used to fulfill these needs himself. Whatever he produce, whatever they produce, was enough for his needs. Gradually human needs started increasing. In such a situation it was not possible that every human being should produce all the things he needed. बेटा धीरे धीरे वो जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब पहले उसके लिए क्या था, उसकी आवश्यकता एक कम थी, वो जितना भी प्रोडक्शन करता था दैट वॉज इनफ फॉर हिम, वो उसके लिए काफी इनफ था, उसके लिए ठीक था. लेकिन ग्रेजुअली ह्यूमन नीड्स आर स्टार्ट इंक्रीजिंग, बढ़ने लग गई. एंड देन अ सिचुएशन कम दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल, अब पॉसिबल नहीं था, ईच एंड एवरी जो ह्यूमन नीड्स है दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड. कॉन्स्टिक्वेंटली सो अ फैमिली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग्स, लोगों ने कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजों का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था दैट उन चीजों को वो दूसरों को देकर
by producing that commodities, they may exchange that commodities from another person. तो उनको exchange करके उनके पास एक option था कि वो क्या कर सकते हैं दूसरों persons के साथ, दूसरों के साथ में वो उन चीजों को बदल सकते हैं. पहले क्या होता था, मान लीजिए एक पर्सन है, वो वीट ग्रो कर रहा है तो ऑलवेज वो वेट ही कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे मानो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है. ही वांट राइस बट ही इज नॉट गोइंग टू ग्रो राइस. वो तो वीट ग्रो कर रहा है, उसके पास तो वीट ही है, उसके पास राइस नहीं है, बट उसे राइस चाहिए. तो वो क्या करता, वीट के और एक्स्ट्रा क्वांटिटी को वो ग्रो कर रहा है या सम अनदर ऐसी क्वांटिटीज को ले वो ग्रो कर रहा है. दैट विल एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी पर्सन, जिन्हें दूसरे लोग भी क्या है ले सकते हैं. तो वहां से बार्टर सिस्टम हमारा क्या हुआ, अराइज हुआ. और आप लोगों को पता भी होगा, बार्टर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच वन कॉमोडिटी इज एक्सचेंज इन अनदर कॉमोडिटी. बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु के बदले वस्तु को बदलते हैं. ठीक है. और बेटा आज के टाइम में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज चाहिए, दैट ऑल द थिंग्स आर इन द मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होते हैं हमारे पास. कोई भी हमसे पूछता है कि आप कहते हो जाके भाई मुझे ये चीज चाहिए, वो कहते हैं इट्स प्राइसेस दिस एंड यू पे फॉर इट. आप पे करते हो और आप उस कॉमोडिटी को ले लेते हो. तो बेटा वो जो टाइम पीरियड था उसके अंदर तो मनी था ही नहीं ना. देर इज नो मनी एट दैट टाइम. एट दैट टाइम देयर नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फ्यू. उस समय में एक तो लोगों की जो आवश्यकताएं थी ना वो बहुत कम थी. प्रॉब्लम अराइज कहाँ से शुरू होती है, जब नीड्स क्या हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, बढ़ जाती है. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, दैट द नीड्स ऑफ पीपल स्टार्ट रेजिंग, रेज होनी स्टार्ट हुई. उन्होंने देखा कि भाई उसके पास ये चीज है, अच्छी लग रही है, अच्छा मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं ग्रो तो इसको कर नहीं सकता हूं, तो व्हाट शुड आई डू, आई कैन डू एक्सचेंज. Whatever I am having, I can offer that things to him, and what he was having, I can take it from him. So that is the reason that it start from that, and this is known as barter system stage. Okay, when the commodities are exchanged in commodities. After that, there is a second stage which is village economy stage. Here you are seeing that. Second stage is yours village economy stage. Gradually बेटा पीपल्स मतलब एक टाइम आया जिसना कि हम जितना जानते हैं और जितना हमने देखा है, जितना भी अगर हम लोग देखते हैं, तो हमारी जो मतलब इंडियंस जो है, दैट आर डिवाइडेड इंटू कास्ट, इंटू वेरियस रिलीजियंस, इंटू ट्राइब्स एंड ऑल दीज थिंग्स. हमारी जो मतलब विलेज के अंदर हम एक कस्बे में जहां रहते हैं, एक विलेज के अंदर जहां हम लिव करते हैं, एंटायर विलेज इज डिवाइडेड इंटू वेरियस कास्ट. तो पूरा वो कास्ट के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है. नाउ द पीपल बिलोंग्स टू वन ट्राइब कल्टिवेट. अब वो एक ट्राइब से जो जुड़े हुए हैं, एक जो जाति है उससे जुड़े हुए लोगों ने तो क्या कर दिया, बेसिकली कल्टिवेशन स्टार्ट कर दिया कि दैट दे आर यूजिंग फार्म्स एंड लैंड कलेक्टिवली, उसको कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं थिंग्स, फूड ग्रेन्स को वो ग्रो कर रहे हैं. उन्होंने क्या कर दिया, उसको प्रॉपर्टी अपनी मान बना लिया एंड दे स्टार्टेड इट. आफ्टर दैट एज अ रिजल्ट सम ट्राइब्स उन्होंने क्या कर दिया, फिर कुछ ट्राइब्स ने क्या कर दिया, जैसे कि लेदर वर्क है, दे स्टार्ट डूइंग दैट वर्क एंड फ्यू ट्राइब्स स्टार्ट दैट दे आर मेकिंग यूटेंसिल्स फ्रॉम द मड एंड ऑल दीज थिंग्स. तो सब लोगों ने, ट्राइब्स ने क्या कर दिया, मतलब वो लोगों ने एक प्रोफेशन वहां पर क्या किया था, अपनाया था कि दैट वी आर डूइंग दिस एंड दैट आर यू आर डूइंग दैट एंड ऑल दीज थिंग्स. तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुई, ट्राइब्स वहां पर क्रिएट होगी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, व्हाट वर्क दे आर डूइंग देयर. एंड आफ्टर टाइम दिस ट्राइब्स आर डिवाइडेड इन टू फैमिलीज. अब ये ट्राइब्स क्या हो गई थी, फैमिलीज के अंदर डिवाइड हो गई थी. कुछ ऐसी फैमिलीज हो गई थी, कुछ ऐसे ग्रुप्स हो गए थे लोगों के दैट आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, सब एग्रीकल्चर के अंदर थे. कुछ लोगों ने क्या कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि वट एवर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डन बाय द फार्मर, दे टेक दैट प्रोडक्शन फ्रॉम देम एंड गो सम अदर प्लेसेस एंड स्टार्ट सेलिंग दैट. तो दैट आर becomes merchants. वो merchants वहां पर क्या हो गए थे, विलेज इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो गए थे कि दैट दे आर गोइंग एंड सेलिंग द थिंग्स. सो नाउ द पीपल एंगेज इन बिजनेस वर्क्स एज मिडल मैन. तो जो
लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, दे आर वर्किंग एज अ मिडल मैन, दैट दे आर टेकिंग ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेलिंग टू सम अदर पर्सन. दे आर एज वर्किंग एज अ मीडिएटर, एंड वेयर द पर्सन इज वर्क एज अ मीडिएटर, इट कम्स अंडर द कॉमर्स. वहां पर जहां पर उसने एक मीडिएटर के रूप में क्या कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया, इट गोज टू द कॉमर्स का पार्ट है. दैट द प्रोडक्शन इज डन बाय द प्रोड्यूसर. नाउ what does the this person is doing, the middleman is doing, middleman take that production from the farmer and it's delivering that production to the consumer. Who's the person going to consume? Because farmer has its limited capacity, he can't consume whatever he is going to produce. But a farmer itna zyada produce karta hai ki wo akela un sari commodities ko ya akele us pure ke pure production ko he can't consume. They purchase surplus goods from the different, so the jo bhi surplus hota hai, surplus word ka matlab hota hai extra, theek hai. वट जितना भी प्रोडक्शन करते हैं कुछ क्वांटिटी तो दे रिक्वायर्ड फॉर देयर यूज एंड वट एवर द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज द सरप्लस अमाउंट विच देव यूज टू सेल सम अनदर पर्सन. सो दिस इज द विलेज लेवल इकोनॉमी और वी कैन से दैट द विलेज इकोनॉमी स्टेज. ओके, नाउ द थर्ड स्टेज दैट इज द मनी इन्वेंशन स्टेज. इट इज दैट स्टेज एट विच मनी इज इन्वेंटेड. Whatever we are today having, the 10 rupees, 100 rupees, 500,000, whatever the currency today we are having, that is considered as money. Okay, how this money invented? This money is invented due to the barter system. इस मनी की इन्वेंशन किसकी वजह से हुई? बार्टर सिस्टम की वजह से. इट वॉज डेवलप्ड बिकॉज देर आर मैनी लिमिटेशन और देर आर मैनी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम विच गिव राइज ऑफ मनी. बिकॉज बार्टर सिस्टम के अंदर देर आर फ्यू डिफिकल्टीज ऑफ यूजिंग इट. बेटा एक तो ना उस पर्सन को ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, जिस मतलब जो चीज हमें चाहिए वो हमें देने के लिए तैयार हो, जो हमारे पास है उसे वो लेने के लिए तैयार हो. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है. ठीक है, आप जाओ अपने पड़ोसी को, मेरे पास ये चीज है ये तुम ले लो, और तेरे पास ये है ना तो ये मुझे दे दे. ऐसे बिकम एग्री विद दैट टू दैट ट्रांजेक्शन? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट थिंग्स. आज में टाइम चेंज हो चुका है. So you have to search that person who is ready to take your stuff and whatever you want, he agreed to deliver you that. So ये problems थी हमारे पास. और जैसे कि अगर हम बात करें तो हम technically इसको क्या कहेंगे, double coincidence of want. आपके friend है, ठीक है, आप उसको कहते हो ये चीज बहुत अच्छी लग रही है मुझे तेरे पास, ये तुम मुझे दे दो और मेरा पास जो चीजें उनमें से कुछ भी तुम ले सकते हो. मान लो आपको मना कर दें, बट व्हाट अबाउट योर वांट, यू वांट दैट थिंग. तो उस सिचुएशन में क्या था, प्रॉब्लम हो जाती थी कि व्हाट एवर शी इज डिमांडिंग फ्रॉम हिम हर इज नॉट कैपेबल टू पे. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम थी. और बेटा सभी कॉमोडिटीज, अब मान लो कोई राइस और गोल्ड के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होती है, इज इट ऑप्टिमम? राइस की क्या वैल्यू है, वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइस एंड वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड? दोनों जो चीजें हैं दैट आर नॉट सेम, देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स, आर बहुत डिफरेंट चीजें हो जाती. गोल्ड को या क्लोथ को, गोल्ड को या मतलब देर आर सर्टेन थिंग्स जिनका कंपेरिजन या दोनों को एक दूसरे के बीच में चेंज करना ही, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या था, काफी मुश्किल हो गया था. अब लोगों के पास एक प्रॉब्लम थी कि किसी ऐसी चीज को क्या किया जाए, ढूंढा जाए जो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दे, जिस चीज को सभी लोग लेने के लिए क्या हो, तैयार. तब क्या किया गया, देन मनी इज इन्वेंटेड. अब वो मनी जिस रूप में हमारे पास है, वेदर दे आर द कॉइन्स और वेदर दे आर द पेपर करेंसी, इट वॉज नॉट दैट. फर्स्टली सिल्वर और जो गोल्ड मेटल्स जो है हमारे बहुत प्रीशियस मेटल है, उन मेटल्स को क्या किया गया था, यूज किया गया था एज अ मनी. गोल्ड और सिल्वर के क्वेंस बनाए गए थे और उन्हें कंसिडर किया गया था कि दैट दिस इज मनी, ये मनी. बट ये फेल हो गया. हाउ, व्हाई इट इज फेल्ड? बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर इज अ सो मच ऑफ प्रीशियस मेटल दैट पीपल स्टार्ट होल्डिंग इट एट देयर
लोगों ने उसको होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, अपने पास जोड़ के रखना शुरू कर दिया, दैट दे आर नॉट एग्री टू डिलीवर दैट थिंग्स टू समबडी, जिसकी वजह से इनकी शॉर्टेज हो गई। फिर हमारे पास अगेन क्या हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं गोल्ड और सिल्वर को तो नहीं लिया जा सकता है, दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिकॉज पीपल स्टार्ट होल्डिंग दैट गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स एट देयर लेवल। सो एट दैट टाइम अनदर टाइम इट वॉज डिसाइडेड दैट सम अनदर मेटल इज यूज, किसी और मेटल को क्या करना है, यूज करना है। एंड आफ्टर दैट जो आप अगर आप देखोगे ओल्ड कॉइन्स, पुराने जो कॉइन्स है, दैट इज द अलॉय मेटल विच इज आई एम नॉट रिमेम्बरिंग व्हाट दिस मेटल कॉल्ड, बट जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में गिल्ट जो वर्ड होता है यूज करते हैं, गिल्ट, ठीक है। दैट मेटल वॉज सो प्रीशियस मेटल था, ये मतलब वो जो मेटल है ना, मेटल की कॉस्ट ज्यादा होती थी, जिसपे जो रुपए, एक रुपए, दो रुपए लिखा है उतनी उसकी तो वैल्यू भी नहीं होती थी, मेटल ज्यादा कॉस्टली थी। तो लोगों ने क्या कर दिया बेटा, इट इज नियर अबाउट द 80s और 90s के टाइम पीरियड, और था उस टाइम पीरियड के अंदर क्या किया लोगों ने, उस मेटल को, उन सिक्कों को इकट्ठा कर लेते, इकट्ठा करके और उस मेटल को क्या कर देते, पिघला के, और उसकी ना जैसे ईंट होती है ना, ब्रिक, ब्रिक की शेप उसकी बना के, एंड दे स्टार्ट सेलिंग इन द मार्केट। मेटल सेल होता था बेटा, उसी मेटल को क्या करते, उसको सेल कर देते। नियर अबाउट क्या करते बेटा, 1000 क्वाइंस इकट्ठे करते, ठीक है। तो 1000 रुपीज ही लगे ना, ठीक है, उसको मेल्ट किया, उसको एक ईंट की शेप दी, और फिर उस मेटल को वो 5000 में, 6000 में, 8000 में क्या कर रहे, सेल कर रहे। अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ उसकी जो कॉस्ट है, दैट द पर्सन हैज टू पे 1000, और वो उससे क्या कर रहा है, 5000, 6000, 7000 एक्स्ट्रा कमा रहा है बाय सेलिंग दैट मेटल। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी टू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ पीपल्स एंड पुट दैम बिहाइंड द प्रिजन फॉर दिस अडल्ट्रेशन एंड ऑल दीज माल प्रैक्टिसेस। After that, now, today, which coin you are seeing, that is steel coin. आज के टाइम में जो coin चल रहा है वो स्टील का coin है, आप देखेंगे उसको, ठीक है। अगर आपको देखना है गिल्ट का कौन सा होता है, तो 5 के जो coins है ना, उनमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास basically क्या थी, problem थी, और जिसको क्या किया गया फिर बाद में और चेंज किया, दैट इज द मनी इन्वेंशन स्टेज। ये स्टेजेस हैं जिनके अंदर मनी को क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। एंड फॉर टूडे यू हैव टू डन ऑलमोस्ट 3 stages, एंड 3 stages आर रिमेनिंग, दैट आर द टाउन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड दिस चैप्टर, दिस स्टेज, अर्लियर 3 stages ऑल्सो वी हैव डू फ्रॉम द बुक, एंड देन वी गो ऑन द अनदर स्टेजेस।